तो मेरा गुप्ता एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ लाडली लाल चैनल पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये नोटिफिकेशन घंटी को भी अवश्य ऑन कर दीजिएगा। तो जो मैंने पिछली वीडियो में आपको ये ड्रेस दिखाई थी, ट्रिपल लेयर ड्रेस जो भी आप बोल सकें, तो उसकी मैचिंग की यहाँ पर मैं लाया हूँ कैप। ओके, ज़्यादा नहीं, बहुत ईजी पैटर्न है इसका, ज़्यादा मैंने इसमें डिज़ाइनिंग नहीं दी है, कॉर्नर पे सेम यही वाली डिज़ाइनिंग दे दी है, और वाइट कलर का एक मैंने एक फ्लावर अटैच किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने पहले भी ड्रेस में आपने देखा होगा, वही फ्लावर है मेरे पास जो अवेलेबल थे। तो ये देखते हैं इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्रोशिएट हुक और वाइट वूल से स्टार्ट करेंगे, पहले एक बनाएंगे लूप, इस तरीके से एक फंदा क्रिएट करेंगे। प्लस 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अभी फर्स्ट वाले में जॉइंट कर देंगे। ये पहले वाली भी आपने कैप देखी होगी, जिसमें मैंने लीव्स और फ्लावर लीव्स ड्रेस बनाई थी, उसकी मैचिंग कैप बनाई थी, सेम वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा बॉर्डर पे चेंज है। 1, 2 एंड 3। अब इसके अंदर हम एक, ये 3 चेन हो गई, एक ही क्रोशिया हो गया, और 11 क्रोशिया और कर देंगे, 11 और कर देंगे, मतलब 1, 2, 2 और प्लस ये किए 3, तो ऐसे टोटल 12 कर देंगे हम इसमें। ये देखिए यहाँ पर 11 मैंने डबल क्रोशिया और प्लस ये 3 चेन, तो टोटल 12 हो गए। इतने अटैच कर देंगे ये दोनों फंदे पकड़ के, ये स्लिप स्टिच से हमने अटैच कर दिया। 1, 2 एंड 3 की चेन फिर ले ली। अब हमें देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम देखिए इसी वाले में, इसमें यहीं पे एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। ओके, ये देखिए एक हमने डबल क्रोशिया बना दिया, और हम 5 और यहाँ पे देखिए इसमें 3 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया कर दिया, और फिर हम 1, 2, 3 फाइव कर दिया, और ये 6 नंबर वाले में फिर से हम डबल कर देंगे। ओके, ये हमने कर दिया एक और डबल, एक में 2 कर दिया, मतलब सॉरी ये सही से पकड़ में नहीं आया नीचे का फंदा, इसे हम दोबारा करेंगे खोल के, ये इस तरीके। ओके, तो इसमें 1 बना दिया, और इसी में 1 और 2 हो गए। ओके, मतलब हमें यहाँ पे बढ़ाना है और यहाँ पे बढ़ाना है, तो ये आके अटैच करके और फिर एक राउंड और कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सेम पैटर्न से, बस जहाँ पे 2-2 बढ़ाए हैं उसके सामने 2-2 बढ़ा देने हैं। देखिए 1 राउंड 2 राउंड मैंने सेम पैटर्न से कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हमें देखिए क्या करना होगा, हमें बनाने हैं पफ, तो ये थोड़ा सा लंबा करेंगे। ओके, इसी में सॉरी इसमें करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप क्या करेंगे इसमें आगे वाले में अब देखिए इसमें यहाँ पे ये आगे वाले में एंटर करके एक सिंगल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे। देखिए सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये थोड़ा सा बड़ा खींचेंगे, और ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 फंदे निकालने के बाद ये इस तरीके से लॉक कर देंगे। ओके, लॉक करने के बाद यहाँ पे एक चेन और बनाएंगे, चेन एक और बना ली, फिर नेक्स्ट वाले में सेम 1, 2, 3, 4 एंड 5 इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद एक चेन और बना लेंगे, ऐसा ही करते हुए ये पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इजी पैटर्न है एकदम, तो इसे कंप्लीट करके वापस आते हैं। ये देखिए कंप्लीट हो गया पूरा,
ये जो हमने ये आगे बढ़ के आ गए थे चेन में, तो ये देखिए ये बैक साइड से यहाँ पे एक फंदा मिल गया था हमें इसका, तो हमने इसे बना दिया, तो टोटल उतने ही आए हैं। यहाँ थोड़ी थोड़ी गैपिंग दिख रही होगी क्योंकि पफ बने, तो इस वजह से ये खिंच गया है थोड़ा सा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे डिज़ाइनिंग में आ गया हमारा। तो यहाँ पर हम देखिए इसे अटैच कर देंगे, ओके, ये इस तरीके से इसको यहाँ पर देखिए ये फ्लिप स्टिच के माध्यम से इसे हमने ऐसे अटैच करेंगे और एक चेन बना के ये देखिए वूल को कट कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे हमें ऑरेंज कलर की वूल जोड़नी होगी, ऑरेंज कलर का वूल जोड़ेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे। तो ज़रूरी नहीं आपको यहीं से ऐड करना है, आप कहीं से भी ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ओके। तो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे इसको पकड़ के ये यहाँ से निकालेंगे, ओके, 1, 2 एंड 3 इसी के अंदर एंटर करके सिंगल क्रोशिया 1, 2 एंड 3 थ्री चेन, फिर देन इसी के अंदर करके सिंगल क्रोशिया, फिर 1, 2 एंड 3 फिर इसी के अंदर करके सिंगल क्रोशिया, इसके अंदर करके सिंगल क्रोशिया करते हमने, ओके। फिर देखिए आगे वाले में जाके, आगे वाले पफ में मतलब एक पफ में हमें ऐसे जोड़ देना, एक स्कीप कर देना मतलब, और एक में हमें ये फ्लावर जैसा बना देना। देखिए हमने सिंगल क्रोशिया कर दिया सिर्फ, इसे छोड़ के आगे वाले में आके सिंगल क्रोशिया 1, 2 एंड 3 चेन, इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया 1, 2 एंड 3 चेन, इसके अंदर करके एक सिंगल क्रोशिया, फिर 1, 2 एंड 3 चेन, देखिए, और फिर इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, और फिर आगे वाले पफ में आके ये यहाँ से अंदर से डालेंगे, और ये वाइट वाला वूल भी इसी के साथ एडजस्ट करते जाएंगे हम। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया ओनली बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से, ओके। तो ये देखिए एक स्किप कर देंगे और एक में हम इसे फ्लावर जैसे बना देंगे छोटे छोटे, तो ये राउंड भी कंप्लीट करके वापस आते हैं हम। ये देखिए कंप्लीट कर लिए इस तरीके के फ्लावर, ये छोटी छोटी किनारियाँ आई हैं हमारे पास में। अब यहाँ पे देखिए हमें अटैच कैसे करना है, देखिए इसी वाले के अंदर हम एंटर करेंगे, देखिए एंटर किया, और इसे देखिए आगे वाले फंदा पीछे वाले से निकाल देंगे, और फिर इसे देखिए बैक करेंगे, बैक गए, ओके। और यहाँ पे फिर इस तरीके से निकाल देंगे और इसे फूल को कट कर देंगे, फूल कट करके ये देखिए इस तरीके से निकालने के बाद, इसके बाद में हम नीडल की हेल्प से एडजस्ट कर सकते हैं, फिर आगे पीछे ऐसे क्रॉस किस क्रॉसिंग मतलब ऐसे आगे निकाल देंगे पहले, और इसे कट कर देंगे, ये कट कर दिए, अब बैक साइड वाला भी इसे कट कर देंगे। उसके बाद देखिए जैसे कि मैंने इसमें स्टोन लगाया है ये फ्लावर वाला, इसमें भी आप पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से, तो कुछ इस प्रकार की कैप आपके समक्ष आएगी, ये इस तरीके की फ्लावर है ये इस टाइप से। तो देखिए कैप कंप्लीट हो गई आपके सामने, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वीडियो का ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, श्री राधे भक्तो, बाय बाय।